तो हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट चैनल के ऊपर तो यहाँ पर उसको हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव वायरलेस हेडफोन्स के बारे में जो कि आपको मैं पाँच रुपए से स्टार्ट कर, कर थोड़ा सा तीन हजार पैंतीस तक लेकर जाऊंगा हमारे बल्ट में ही रहने वाले हैं तो भाई थोड़ी सी आज मेरी आवाज थोड़ी सी बदली हुई लगेगी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा मेरे को थोड़ा सा ज्यादा जुकाम हो चुका है तो भैया सबसे पहले मैं आपको वही चीजें बता दूंगी टॉप फाइव की बात कर रहे हैं लेकिन टॉप फाइव से ज्यादा ही मैं आपको बताने वाला हूँ गेमिंग के लिए कौन सा अच्छा रह सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा वैसे तो आपको पता ही है कि वाइड हेडफोन्स ही गेमिंग के लिए अच्छे रहते हैं लेकिन इसमें भी थोड़ी सी आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर गई सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप कुछ भी अमेजो से बाय करना चाहते हो तो आप नीचे लिंक से जाकर बाय कर सकते हो अगर आपको कुछ फ्लिपकार्ट से भी बाय करना है तो आप वहां से भी जाकर बाय कर सकते हो आपको सभी लिंक्स नीचे देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर गाइस हमारे पहले हेडफोन

बैटरी बैकअप बहुत ही घटिया रहने वाला है सबसे पहले बता दूं लेकिन भाई इसमें एक और अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ पर आपको वायर्स दिख रही होगी कि ये वायर्स कैसी हैं एक तो दोस्तों इसकी चार्जिंग के लिए एक यहाँ पर आपको ऑक्स केबल दिखाई जा रही है मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता है लेकिन भाई आप इसके साथ ऑक्स केबल को अटैच कर सकते हो अगर आपको गेमिंग करनी है अपनी लेटेंसी को कम करना है आपकी आवाज सही आनी चाहिए तो आप एक वायर लगाकर भी आप जो है अपना एक ऑक्स केबल लगाकर भी आप अपनी जो है साउंड को आप सुन सकोगे तो भैया यह इसमें यहाँ पर आपको सभी फोन के साथ आपको पता ही है कि ऑक्स केबल सभी फोन में लगी जाती है लगभग यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का भी स्पोर्ट देखने को मिल जाता है मतलब कि पाँच रुपए के नीचे अगर आपको हेडफोन्स बाय करने थे तो आप इनकी तरफ जा सकते हो अगर आपको वायरलेस हेडफोन चाहिए थे यहां पर पाँच रुपए के नीचे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं रहने वाला है क्वालिटी भी बस ठीक ठाक ही रहने वाली है जितने रुपए हम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक रह सकती है और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे इसके बाद दोस्तों जो अगला हेडफोन्स आ जाते हैं वो आते हैं जेवरोनिक्स की तरफ से जेवरोनिक्स जब जेव थंडर वायरलेस बीटी हेडफोन्स मतलब ब्लूटूथ हेडफोन्स इसका थोड़ा सा कलर थोड़ा सा ज्यादा हाई एंड है लाल कलर में ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि बहुत ही ज्यादा हाई एंड ही होने वाले हैं यहाँ पर भी आपको थोड़े से जो क्वेश्चन है वो अच्छे देखने को मिल जाते हैं और जेबरॉनिक्स के थोड़ा सा रेप्यूटेड ब्रांड आप मान सकते हो इंडियन ब्रांड है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक की क्वालिटी ये मिलने वाली है यहाँ पर आपको ऑक्स कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है आवर्स का यहां पर आपको प्लेबैक दिखाया जा रहा है ये स्टार क्या लगा हुआ है ये मेरे को नहीं पता है मुझे लगता है कि ओनली कॉलिंग के लिए होगा अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनने वाले हो तो ये आपको दो तीन घंटे तो आराम से आपके निकाल ही देंगे सिक्स फिफ्टी रुपीज में दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहे हैं ये उससे अच्छे हैं यहां पर भी आपको सेम फीचर्स से देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर भी आपको वही क्वालिटी मिलती है ऑक्स केबल आप यहाँ पर भी लगा सकते हो एस कार्ड भी दोस्तों यहाँ पर आप लगा सकते हो तो आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा स्पेंड करना है थोड़ी सी आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप इसकी तरफ जरूर देख सकते हो पहले को आप जरूर स्किप कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा बल्ट है तो आप इसकी तरफ जरूर देख सकते हो इसकी आपको अगर मैं रेटिंग दिखाऊं तो यहां पर आप इसका प्राइस ड्रॉप देख सकते हो प्राइस ड्रॉप दोस्तों अभी इसका प्राइस बिल्कुल सही चल रहा है पहले आठ सौ रुपए के आसपास चला गया था तो अभी इसका बीच में प्राइस है मतलब की ठीक ठाक अभी इसका प्राइस चल रहा है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो नीचे अगर हम दोस्तों इसके रिव्यूज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिव्यूज ठीक ठाक रह रहे हैं पांच की रेटिंग है लेकिन कम ही है लेकिन मतलब जितने हम रुपए पे कर रहे हैं उतने हमको वैल्यू है जो मिलने वाली है इसके वास्तव हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हेडफोन्स के बारे में जो आते हैं पीट्रॉन स्टूडियोज ये भी कोई ऐसी कंपनी मेरे को लग रही है पीट्रॉन मेरे को भाई नहीं सुना अगर कोई रेपूटेड ब्रांड है तो भाई मेरे को नहीं पता है लेकिन भाई इसमें भी आपको सेम चीजें को मिलती है ब्लूटूथ देखने को मिल जाती है वायरलेस है बल्कि ब्लूटूथ का यहां पर आपको स्पोर्ट देखने को मिलता है बारह घंटे का प्लेबैक ये कह रहे हैं लाइट वेट हेडफोन्स है सॉफ्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं वही आपको दस मीटर की जो रेंज मिलती है और आपको फिट बैठते हैं चार सौ की बैटरी है हैंड फ्री कॉल यहाँ पर आप सुन सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इनमें आपको माइक भी देखने को मिल जाता है इसमें शायद नहीं है लेकिन इसमें और इसमें शायद है माइक तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख कर चेक कर लेना यहाँ पर आपको जो माइक की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है ये हेडफोन्स भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको ये वो पहले वाले वो नहीं मिलते हैं तो आप इन, इनकी तरफ जा सकते हो अभी ये भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं इसके बाद तो हम बात करते हैं थोड़ा सा जब आप एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो जैसे कि लीफ आपने एक नाम सुना होगा ये भी बड़े अच्छे खासे ये हेडफोन्स बनाते हैं लीफ कंपनी की तरफ से बेस वाले हेडफोन्स आते हैं थोड़े से ये हैवी रहने वाले हैं आपको थोड़ा सा अगर आपको कंफर्ट चाहिए था तो आप इनकी तरफ जूट जा सकते हो आपको थोड़ी सी डीप वेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है हाई फाई विद माइक के साथ आते हैं दस घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है मतलब कि अगर ये कंपनी दस घंटे का बैटरी बैकअप कह रही है तो आपको आठ घंटे तो भाई मिल ही जाएगा और वही फैसिलिटीज दोस्तों आपको सभी देखने को मिल जाएंगी बटन देखने को मिल जाते हैं कॉल रिजेक्ट करने के लिए उठाने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाती है हैंड फ्री कॉल्स यहाँ पर आप कर सकते हो केवल लग जाती है ये सारी चीजें नॉर्मल है इसके बाद हम बात करते हैं बोट के बारे में बोट मतलब की पबजी वाला बोट नहीं है, है, है पंद्रह घंटे का बैटरी बैकअप है मतलब कि थोड़ी सी अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि बोट की तरफ से आ रहे हैं यहाँ पर जो मैंने आपको पहले तीन चार हेडफोन्स बताए थे तीन जो मैंने आपको पहले बताए थे वो एक रेप्यटेड ब्रांड की तरफ से नहीं आ रहे थे उसके बाद हमने बात की लीफ के बारे में बोट के बारे में यहाँ पर अगला हेडफोन भी बोट की तरफ से ही आता है अगर आपका बट पंद्रह सौ तक का था तो आप इसकी तरफ जा सकते हो आपको वही क्वालिटी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी ये थोड़ा सा हैवी है सी का यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाता है ओके okay, गूगल का यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है वायर्ड एंड वायरलेस दोनों है कंफर्ट हेडफोन्स है आपको दोनों ये लाइट वेट है ये थोड़ा सा डीप बेस के लिए ये आपको थोड़ा सा हैवी भी देखने को मिल जाता है तो भाई अगर आपको गेमिंग प्लस म्यूजिक दोनों सुनना था तो आप इनकी तरफ जा सकते हो गेमिंग के लिए यहां पर आप अपनी ऑक्स केबल लगा सकती हो अगर आपको लेटेंसी कम करनी है जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं अगर आपको म्यूजिक वगैरह एंजॉय करना है तो आप इसको वायरलेस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो इसके बाद हम बात करते हैं एम की तरफ से आते हैं जो आपको पता ही होगा कि ये से हेडफोन आते हैं लाइट वेट हेडफोन अगर आपको चाहिए थे अच्छे ब्रांड की तरफ से आपके पास एम का स्मार्टफोन है जहाँ एम आई का आपके पास लैपटॉप है अगर आप दोस्तों एम की तरफ जाना चाहते थे तो यहाँ पर आपको एम आई सुपर बेस वायरलेस हेडफोन तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ब्लूटूथ फाइव पॉइंट जीरो को यहाँ पर आपको स्पोर्ट देखने को मिल जाता है बीस घंटे की बैटरी लाइफ है जो कि एक अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पर आकर आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलनी चाहिए बल्कि एक नॉर्मल हेडफोन्स हैं ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और एक सिंपल से हेडफोन्स हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा कंट्रोल्स वगैरह आपको नहीं करने हैं आपको सिंपली एक हेडफोन चाहिए एक नॉर्मल कंडीशन में बल्कि नॉर्मल वो हो देखने में थोड़ा सा जेनुअन लगे तो आप इनकी तरफ जरूर जा सकते हो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है थोड़ी सी अच्छी बेस है बीस घंटे का बैटरी बैकअप है जो कि अच्छी बात है इसके बाद तो हम बात करते हैं फायर बोल्ट कंपनी के बारे में मतलब कि जिनके पास थोड़ा सा अच्छा खासा बजट है दो से तीन हजार तक का वो स्पेंड करना चाहते हैं हेडफोन्स हेडफोन्स के के ऊपर ऊपर वायरलेस उपर, तो यहां पर आपके पास मिल जाते हैं फायर बोल्ट ब्लास्ट फोर्टीन हंड्रेड ओवर ईयर वायरलेस हेडफोन्स 25 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आते हैं अगर आपको प्ले टाइम आपको म्यूजिक सुनना था आपको कुछ भी करना था आपके पास बजट अच्छा खासा है आप एक अच्छा खासा अच्छा क्वालिटी वाला आप हेडफोन्स को बाय करना चाहते हो तो आप इनकी तरफ जरूर देख सकते हो बड़े तकड़े यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप डिजाइन देख ही सकते हो थोड़ा सा हैवी लगता है लेकिन भाई कंपेटेबल है लाइट वेट ये कह रहे हैं लाइट वेट मेरे तो को नहीं लगता है कि लाइट वेट होने वाला है किसी भी हिसाब से और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर गाइस जिसका थोड़ा सा ज्यादा बजट है थोड़ा सा ज्यादा पैसा वो एक हेडफोन्स के ऊपर स्पेंड करना चाहता है तो आप इनकी तरफ जरूर जा सकते हो इसके ऊपर भी गाइस आपको बहुत सारे हेडफोन्स देखने को मिल जाएंगे ये हमने तीन हजार तक के कवर किए हैं तो कैसे भी दोस्तों वीडियो वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी टेक्नोलॉजी अनबॉक्सिंग और की वीडियो लेकर आते ही रहते हैं